أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. معزز سامعين الكرام, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। और एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। हुकूमत से मैं इजाजत ले को सुबह तक ईद पढ़ने पर रखू। लेकिन ये पावर में डाउट है, ये खुलूस से नहीं बोले, डर को बोले, कहा बोला ना सुबह तक बैठ जाते कि अच्छे जुमले, अच्छे अशआर, अच्छी बातें आई तो समझने का, इजहार करने का तरीका भी इस्लाम ने सिखाया है। किसी का छक्का पसंद आया तो तरीका तालियां, किसी का फोर पसंद आ गया तो तरीका खुशी का तालियां, किसी का विकेट लेना पसंद आ गया तो तरीका खुशी का तालियां। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इस्लाम कहता है तुमको किसी की बात, तुमको किसी का अच्छा अमल पसंद आ गया तो फिर तुम सुभान अल्लाह कहो, माशाल्लाह कहो, लेकिन जहां सुभान अल्लाह बोलना, जहां माशाल्लाह बोलना, वहां तो बोलना। बेंगलुरु से आए सो मौलाना बोले, अच्छी चीज को देखे तो सुभान अल्लाह बोलो बोलकर, मैडम जाले तो दे सुभान अल्लाह बोले। तुम्हें सुभान अल्लाह बोलेंगे जनाजा मेरा उठेगा। अच्छा घर दिखा सुभान अल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात नजर आई सुभान अल्लाह माशाल्लाह, जब अच्छी चीजों के बारे में सुभान अल्लाह कहने का हुक्म है तो नबी की तारीफ का आलम क्या है।
समझो, एक एक शेर समझो। है सरा जाला हमारा नबी। रहमते हक ताला हमारा नबी। जिसका कौन में कोई सानी नहीं। ताकि मौलाना की जर्रा आवाज सर्दी में पस्त होगी सो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में हमारी आवाजों का मुकाबला कहीं और होगा। इंशाअल्लाह ताला वक्त से पहले बात होगी। हमें कानून का रक्षा करने वाले हैं, कानून तोड़ने वाले नहीं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी नबी की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज नहीं दिया जितनी खूबसूरत आवाज मेरे नबी के सदके मेरे नबी की उम्मत को दिया। न मूसा की उम्मत की आवाज इतनी खूबसूरत, न ईसा की उम्मत की आवाज इतनी खूबसूरत। दाऊद की आवाज तो मौजिजा था, बावजूद इसके के दाऊद की उम्मत को इतनी खूबसूरत आवाज नहीं मिली। वजह क्या? उसकी वजह लिखते हैं कि इस नबी की उम्मत ही को कयामत तक कुरान पढ़ना है। इस उम्मत को अपने नबी के सदमे में इतनी खूबसूरत आवाज इसलिए मिली कि कयामत तक इसी उम्मत को अजान देना है। मैं साफ साफ धंके की चोट में कहता हूं, दुनिया अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, माइक बंद कर सकती है, अजान बंद नहीं कर सकती।